शिवपुरी पुलिस द्वारा बदरवास में कियोस्क संचालक से हुई 45 लाख से अधिक की लूट का 24 घंटे के भीतर पर्दाफाश कर चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। फरियादी कियोस्क संचालक ने थाना बदरवास आकर रिपोर्ट किया कि मैं कस्बा बदरवास में कियोस्क चलाता हूं एवं मेरे घर में हिटेची कंपनी का ATM भी लगा है। रात करीब 8 बजे मैं कियोस्क बंद कर अपनी दूसरी मंजिल पर चला गया। कुछ देर बाद किसी अज्ञात व्यक्ति का फोन आया कि ATM में पैसे फंस गए हैं, नीचे आकर मदद करो। उनकी इस बात पर विश्वास करके मैं जैसे ही नीचे आया तो उनमें से दो लोगों ने मुझे धक्का देकर नीचे गिरा दिया और मेरे ऊपर कट्टा तान दिया। फिर तीनों लोगों ने हमारे मुंह पर टेप चिपका दिया और फिर ऊपर अलमारी में रखे 40 लाख रुपए एवं एक बैग में रखे 5,30,000 रुपए, पत्नी की सोने की चैन, एक मोबाइल एवं घर में लगे CCTV कैमरों की DVR लूट कर ले गए थे। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। घर के बाहर ही लगा हुआ है, उससे लगा हुआ एक छोटा सा दरवाजा है जिससे वो अपने घर की तरफ जाता है, वहीं की उसे चलाता नीचे के सेट में ग्राउंड फ्लोर पे। और सुबह 8 बजे के आसपास एक फोन आया जिसमें उसने कहा कि वैसे मेरे पैसे फंस गए ATM में, आप नीचे आके मदद कर दो। ये खाना खा रहा था, खाना खा के नीचे आया है और उसको दो लोगों ने धक्का दे के अंदर उसको कट्टा तान दिया, टेप चिपकाया है उसके ऊपर जो ट्रांसपेरेंट टेप होता है जो मेडिकल वाला। और उसके बाद ऊपर गए, यहाँ पे उनकी पत्नी और छोटे बच्चे दो थे और उनको भी हाथ बांधे हैं, घंटे से धमकाया है। तो फिर पहले उसने मना किया कि मेरे पास पैसे नहीं है, फिर उसने अलमारी की चाबी ली। तो अलमारी में तो हमारे भैया ने बताया कि एक बैग में तो 5,30,000 है और एक अलमारी के में 40 लाख के आसपास का अंदाज उसका था कि 40 लाख के आसपास पैसे और रखे हैं। ये 5,30,000 उसको कन्फर्म था, पत्नी की सोने की चैन थी, एक मोबाइल और दो मोबाइल है, इनफैक्ट में एक निकाल दो मोबाइल है और CCTV और कैमरों के DVR लूट के ले गए। और इसमें जब ये बातचीत की गई थी हमारे द्वारा, एडमिशन की साहब द्वारा और सभी लोगों द्वारा, तो ये बात भी आ रही थी कि वो बताएं कि जब वो सर्जरी कर रहे थे वो बार बार फोन पे बातचीत कर रहे थे कहीं पर, वहां से उनको डायरेक्शन मिल रहा था कि क्या करना है, हाथ बांध दो, मुंह बांध दो, टेप लगा दो इनका और फिर इनके का फोटो खींच लो, ये भी बात आई, DVR कैमरा निकाल लो, ये भी बात आई। ये उसका कंफर्म करना था कि साहब बिल्कुल सामने वाला गिरा था, हम आवाज सुन रहे थे फोन पे, फोन पे किससे बात कर रहा है ये बताने, लेकिन वो बिल्कुल गाइड कर रहा था। तो इस पुलिस को एक बड़ी अच्छी सफलता मिली है जिसमें एक मंथली की जो लूट हुई थी बदरवास कस्बे में, मेन कस्बे में SBI बैंक के सामने एक व्यक्ति क्यों सर चलाता था, वो अपने घर पे था, उसको एक फोन आया था और उसके बाद तीन दो आदमी अंदर एक धक्का देखे, घटना के तीन लोग थे जिन्होंने उसके घर से करीब 45,30,000 रुपये और सोने की चेन वगैरह सामान ले गए थे और DVR भी निकाल के ले गए। इसमें हमारे द्वारा हमारे IG साहब ग्वालियर अनिल शर्मा जी ने लगातार हम लोग को गाइड किया, सबने मार्गदर्शन दिया और टीमें बनाकर इनको अलग कार्रवाई करने के लिए अलग टीमें गठित करने का बताया और उसको जल्दी से जल्दी पकड़ने के लिए 25,000 का इनाम भी उन्होंने घोषित किया। इस पर हमारी एडिशनल SP प्रवीण भूरिया, SDOP निरंजन राजपूत और DI कोलारस राकेश शर्मा, हमारे AD प्रभारी रवि सिकरवार, प्रवीण त्रिवेदी, हमारे सब इंस्पेक्टर रूपेश शर्मा और योगेन सिंगर और कृपाल सिंह राठौर और इन सबकी टीमें अलग अलग इस टास्क में लगाई गई थी। इसमें मेन उद्देश्य ये था कि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि लोकल लिंक है जो कई सारी बातों में आ रही थी, तो उसमें जब पूरी जानकारी ली गई तो उसमें एक मोबाइल नंबर से कॉल किया गया था, उसकी लोकेशन जो है एक दिन पहले से बदरवास में थी, उसके आधार पर बदरवास में पकड़ सकी गई तो एक व्यक्ति के बारे में जानकारी मिली और जब उसको पकड़ के पूछताछ की गई है लगातार और उसकी सारी चीज़ें तस्दीक की गई तो उसका साथी का लोकेशन बार बार चेंज आया और जहाँ पर मोबाइल गया था उसी तरफ की लोकेशन आई। तो इसमें पुलिस को पूछताछ में सफलता मिली तो इसमें हमने मेन आरोपी पकड़ा है जो वो ठीक सामने ही मोबाइल का बिजनेस करता है और इस परिवार को उसकी निगाह थी, उसको मालूम था कि ATM संचालन करने के लिए पैसे काफ़ी घर में रखते हैं और उसी उम्मीद से उसने अपने एक साथी के साथ मिल के प्लान किया था और गुना से अपने एक रिश्तेदार को, अपने साथी के रिश्तेदार को बुलाया था, उसके साथ में कुछ 7 लोगों ने घटना की है जिनमें से हमने 4 को पकड़ा है। अभी 2 से हमारी पूछताछ में और उसकी रिकवरी हुई 8,30,000 रुपये की, एक मोटरसाइकिल जो घटना में उसकी की है। बाकी 4 आरोपियों को पकड़ने के बाद में इनको उनसे पुलिस रिमांड दिया जा रहा है, उन्होंने घटना एक्सेप्ट की है
साथियों के नाम आए हैं। इनमें एक मेन दूरी जो था, जो पहले भी लूट के मामले में थाना जिला 12 राजस्थान में से अरेस्ट हुआ था, अभी थोड़े दिन पहले छूट के आया, वो मेन क्या था, लेकिन मास्टरमाइंड इसमें सामने वाला ही व्यक्ति था और वो अंकुश जैन करके व्यक्ति है, उसी ने ये सारी प्लानिंग की थी और उसमें एक बड़ी सफलता, वो 24 घंटे के अंदर ही केस निकाल लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।